असलकुम मेरा नाम है फाहद मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं आए सुपर कोडर <coughs> मुझे अभी भी हल्की हल्की एलर्जी है सो बे विद मी और देखते हैं जी कि आपके कॉमेंट्स कोई आए हैं या नहीं आए वालेकुम अस्सलाम जवाद साइम आज मेरी बर्थडे थी इसलिए मैं लेट से आया हूँ अभी जस्ट जल्दी से मैंने केक काटा और मैंने कहा सोचा कि आज की लाइव स्ट्रीम करते हैं और आ, चले देखते हैं कि क्या करना है आज अभी मैंने तैयारी नहीं की हुई थी कोई भी बस जल्दी से बनाया इमेज डाला और आ गया अभी मैं ये आपके सामने ही सीखूंगा और करते हैं मिलके थैंक यू सो मच एवरीवन शहजाद शहजाद का कमेंट क्या है नहीं दिखाई दे रहा खाली खुली कमेंट है अच्छा सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैप्पी बर्थडे अभी मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं उम्मीद है कि लाइव स्ट्रीम तो मैंने बंद हुई होगी मैं कंफर्म कर लूँगा मैंने गलती से अपना लाइव स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया था और उसने एरर भी नहीं दिया कि भाई आप वाकई बंद करना चाहते हैं और जस्ट अ मोमेंट देख लेता हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक सारी हाँ जल्दी से कन्फर्म कर लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा आज hmm. देखते हैं देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा ठीक है गुड 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 कंफर्म कर दीजिए मुझे कंफर्म रहा काइंडली चैट में कंफर्म कर दीजिए कि मैं दिखाई दे रहा हूं आपको ये नहीं दिखाई दे रहा चले फिट है एक्सीलेंट सॉरी यार ये हमेशा लाइव स्ट्रीम में इस तरह के ड्रामे होते हैं इससे कुछ, कुछ बचा नहीं जा सकता मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर उसके बाद जरा प्रॉब्लम डिस्क्राइब करते हैं प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन निकालते हैं अच्छा सो so एसेंशली कुछ प्रॉब्लम इस किस्म की है कि जरा मैं इसको ठीक कर लूँ अपनी जगह पे लगा लूँ इसको हुँ. तो प्रॉब्लम हमारी ऐसी है कि हम चाह रहे हैं कि वर्ड प्रेस का ऑटोमेशन सोल्यूशन बनाए ताकि हम वर्ड प्रेस के अंदर जो जावाज़ के कोड लिख रहे हैं उसकी भी ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो पी एच पी का जो कोड है जो फंक्शनस हैं उन सबको भी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली टेस्ट किया जा सके ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो उसकी और साथ में ये भी हो कि आपका आपकी वर्ड प्रेस उसका बैकहैंड उसकी कैशिंग वो सब कुछ एक ही सिस्टम के तहत चल रहा हो और आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हो कोड के थ्रू तो उसके बारे में मैंने सोचा कि हमें वो किस तरह से करना चाहिए और मेरे जहन में ख़्याल आया कि अब देखिए इस वक्त मैं यूज़ करूँ ये मैंने बनाई थी एक वर्ड ऑटो टेस्टिंग और ये लोकल बाय व्हील पर चल रही है लोकल बाय वील अपना एक डॉकर का वर्जन इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से ये लोकली आपकी वेबसाइट चलाता है मेरे पास ये बहुत सी हैं ज़्यादा ही होंगी तो देखते हैं ये वो वेबसाइट्स हैं जिन पर पिछले एक दो सालों में मैंने काम किया मुखलिफ टेस्टिंग की वेबसाइट्स हैं तो देखिए अब ये चल गई है इसका बैकेंड भी यहाँ से चलता है वन क्लिक एडमिन को ट्राई करते हैं इसके मैंने कभी वन क्लिक एडमिन को इस तरह से नहीं ट्राई किया हाँ जी एडमिन सेलेक्ट कर लिया अब डब्ल्यू पी एडमिन पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है ऑटो लॉगिन कर देता है आपको मेरा ख्याल है बैकेंड पे सो so, ये एक बड़ी आसान सी सिंपल सी वेबसाइट है जिसके अंदर अभी हमने कोई कस्टमाइजेशन नहीं की जस्ट इंस्टॉलेशन की है So, uh, <coughs> ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में आपको <coughs> आपकी प्रोडक्ट इस तरह की होती है कि उसमें मुख्तलिफ मूविंग पार्ट्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ऑटोमेटिकली टेस्टिंग चाहिए होती है और इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल होते हैं फॉर एग्जाम्पल एक टूल है जिसका नाम है जेंकिंस मिस्टर जेंकिंस और देखते हैं इसको ये है जी मिस्टर जेंकिन और ये बेसिकली ओपन सोर्स है ऑटोमेशन सर्वर है जो कि uh, आपको अलाउ करता है मुख्तलिफेलपर्स को तो कि वो बिल्ड करें अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करें डिप्लॉय करें ऑटोमेट करें कि कोई भी ऑटोमेशन उसके ऊपर कर लें और मुख्य स्टोरीज़ वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन अगर कॉन्टीन्यूस और कॉन्टीन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है अब ये लफ्स अगर आपको नहीं पता तो आपने अब या तो बिल्कुल बिगिनर होंगे या आप किसी ऐसी टीम में काम कर रहे होंगे जो कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैथडलॉजीज़ को नहीं यूज़ करते और ज़्यादा या तो फिर बड़ी ज़्यादा टीम नहीं होगी अच्छा अब एक एक्सटेंसिबल ऑटोमेशन सर्वर है जेंकिनस को आप कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अब कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन क्या होती है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन आपने देखा कि मैं कोई भी चीज अपने से नहीं बयान कर रहा होता क्योंकि मुझे खुद बिल्कुल जुबानी बेहतरीन अल्फाज में एक्सप्लेन करना नहीं आता और एक और मकसद भी होता है ये सारी चीज़ आपको दिखाने का कि जी आपको बहुत सारे गुरुओं को और तरह तरह के लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है एक चीज को सोचें कागज लें उसके ऊपर लिखें कि मेरा आज का ये प्लान है ये और इसके ऊपर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने जो जो काम करने हैं ना मैंने ये इसके ऊपर लिख के रखे हुए हैं ठीक है ये दो हैं दो ये मैंने सामने लगाए हुए हैं जो मैं कल के दिन में करूंगा अभी इसमें चार पाँच और भी ऐड हो जाएंगे कल के लिए तो अगर आप भलक्कड़ हैं या आपकी प्रयोरिटीज ठीक नहीं है या आपको याद नहीं रहता मेरी तरह तो आप इसके ऊपर लिख के लगा सकते हैं अब हम अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि अब सबसे पहले हम कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे फिर हम कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट को पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि डॉकर क्या करता है जैंकिस क्या करता है इन सब चीजों को जब समझ जाएंगे कि हमने करना क्या हमारा प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तो आपने समझ लिया कि जी हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग इनेबल करना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे लेकिन क्यों करना चाहते हैं इसको थोड़ा सा समझेंगे थोड़ा सा मैंने आपको बताया लेकिन थोड़ा सा मजीद समझेंगे और फिर आगे चलेंगे हम सो so, अभी मैं लिख रहा हूँ जी कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम फिर कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे तो सब ने आपने पढ़ लिया होगा स्क्रीन पे कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन के बारे में कि ये एक प्रैक्टिस है जो कि ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होती है इंटीग्रेशन ऑफ कोड चेंजेस फ्रॉम मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स फर्ज करें कि आपकी टीम में ना एक से ज्यादा लोग देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक टीम जब बड़ी होती है तो फिर कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन की जरूरत होती है इस बंदे का कोड ए का बी के अंदर इंटीग्रेट करना है तो आप किस तरह से करेंगे वो आप इसकी मदद से करेंगे इस प्रोसेस की मदद से करेंगे करेंगे जिसको कहा जाता है कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन अब आपने अगर गिट हब वगैरह यूज़ किया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अब ये देखें गिट हब डॉट कॉम स्लैश फारी अब इसमें मैं देखता हूँ कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट देखा जाए जिसके अंदर ज़्यादा लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया हो आ, देखते हैं ये वाला मैंने एक बनाया था किसी जमाने में अच्छा अब ये पी एच पी और एच डी एम एल में लिखा गया और ये छः साल पहले मैंने बनाया था कुछ तो छोटा मोटा अपडेट मैंने चार साल पहले किया था थोड़े से स्टार्स हैं इसके ये बेसिकली ट्विलियर के में आप इस तरह से ना इसको इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट में जस्ट ये एस ये यहाँ पे ये वाली पोस्ट की फॉर्म में भिजवाएंगे ना तो एस एम एस चला जाएगा इस नंबर पे जिसको आप भिजवाना चाहते हैं और ये क्लाइंट आई डी होता है आपका जो कि वो प्रोवाइड करते हैं आपको तो ये इतना आसान कर दिया था मैंने इसकी मदद से भिजवाना कि जस्ट आपने इसमें सेट किया फ़ोन नंबर मैसेज और क्लाइंट और ये इस पर भिजवाया तो चल पड़ेगा ये और इससे एम चला जाएगा बाकी जितनी भी कंप्लेक्सिटीज हैं ए की वो मैनेज हो जाएंगी अच्छा तो अब क्या करना है अब क्या करना है हाँ जी आपको दिखाना चाह रहा था पुल रिक्वेस्ट अगर इसमें कोई क्लोज हो। मुझे याद पड़ता है मेरे कुछ एक दो दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया था अच्छा देखते हैं क्लोज और प्रोजेक्ट को देख लेते हैं ये मैं कुछ चैट जीपीटी की तैयारी कर रहा था क्या ईमेल चैट जी पी टी एक्सप्लोर एयर टेबल चेस ये सारे के सारे मेरे अपने जाती प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं एक काम करता हूँ मैं वापस जाता हूँ और कोई पॉपुलर डिपॉजिटरी को ढूंढते हैं कोर्ट स्प्लेस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करते हैं जी चले और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा जी नेक्स्ट ईयस नेक्स्ट ईयस नोट नेक्स्ट टेन या नोट डायग्नास्टिक टेन यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको अब देखें जी पुल रिक्वेस्ट एक मौजूद है यहाँ अब ये किसी थर्ड पर्सन ने बनाई है उन्होंने ट्वेंटी टू सर्वे क्वेश्चन को ऐड किया है नेक्स्ट टेन में और अब ये हम देख भी लेंगे कि उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं इनका नाम क्या है शेपलू के नाम से है इनका जीन बर्लर बर्लियर का अकाउंट है लियोन फ्रांस में रहते हैं तो इन्होंने इसके अंदर मेन के अंदर कुछ चेंजेस करनी है मेन ब्रांच के अंदर सर्वे क्वेश्चन उन्होंने नए ऐड करने हैं और इसकी कमिट्स भी देख लेते हैं उन्होंने एक की है कुछ फाइल्स चेंज की होंगी मेरे ख्याल एक फाइल चेंज की है और देख लेते हैं कि फाइल के अंदर चेंजेस क्या किए हैं उन्होंने नए क्वेश्चंस डालने के लिए यकीनी बात है कुछ नए क्वेश्चंस डाले होंगे कन्फिग्रेशन फॉर्मेट में तो ये इस तरह से डालते हैं मैं सर ये यम एल फाइल होगी नहीं डॉट एम डी फाइल है अच्छा तो इसका कोड से ताल्लुक नहीं है बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के साथ ताल्लुक है तो इन्होंने ये इसमें चेंज लाई है फिर उसके बाद कुछ और चेंजेस किए हैं इस तरह से किसी चीज़ को रिमूव किया है किसी चीज़ को ऐड किया है फिर साथ में जिन लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन की के ऊपर कमेंट किया है फिर उन्होंने मज़ीद उसमें चेंजेस किए हैं तो आप देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन हो रही है ये बंदा अपने काम को इंटीग्रेट करना चाहता है अपनी ब्रांच में से जिसका नाम सर्वे क्वेश्चन है अगर सारी बातों की समझ नहीं आ रही तो बस इतना समझें कि, कि किसी बंदे ने कोई तब्दील चेंज तब्दीली की थी सॉफ्टवेयर के अंदर अब वो दूसरे जो मेजर सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो कि पब्लिक के सा, साथ साथ रिलीज़ किया गया है उसमें अपनी इन चेंजेस को मर्ज करना चाहता है तो उसके लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है पुल रिक्वेस्ट सो so बेसिकली इस बंदे ने पुल रिक्वेस्ट बनाई है और इसके अंदर ये चेंजेस किए हैं जो रेड में दिखाई दे रही हैं वो निकाली गई हैं चीज़ें जो ग्रीन में दिखाई गई हैं वो ऐड की गई हैं साथ में आपको प्लस माइनस से भी पता चल रहा होगा उसकी वजह ये होती है कि जो फॉर एग्जाम्पल विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो लोग देख नहीं सकते नाबीना हैं उनको इस तरह से ये प्लस और माइनस की मदद मतलब से ये पता चल जाता है कि क्या ऐड हुआ है क्या रिमूव हुआ है और ये वाला माइनस नहीं है ये वाला एक्चुअली ये हाइफन है ये प्लस माइनस नहीं है अच्छा खैर ये उन्होंने फिर उसके बाद इसका पूरा आपस में मिल बैठ के वो बात करते हैं कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है इसको इस तरह कर दिया जाए इसको इस तरह से कर दिया जाए डिस्कशन करने के बाद ये इसको इम्प्रूव करते हैं और फिर उसके बाद आखिर में इसको मर्ज कर दिया जाता है अब ये देखें रिव्यू का भी ये तरीका होता है मैं भी चाहूँ तो रिव्यू कर सकता हूँ क्योंकि ये ओपन सोर्स है और फिर जब हो जाता है तो फिर उसको मर्ज कर दिया जाता है मेरे पास मर्ज की एक्सेस नहीं है इस प्रोजेक्ट की क्योंकि मैं इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स में शामिल नहीं हूं अच्छा जी वरना मैं इसको मर्ज भी कर सकता था अप्रूव करने के बाद सो so, इसके होम पेज पे चलते हैं अब हमने बात कर ली कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के बारे में कि लोग क्यों करते हैं ये काम अब फर्ज करें कि यहाँ पर बहुत सा कोड नया ऐड किया गया है प्रोजेक्ट के अंदर नया कोड ऐड किया गया है, और उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जिनको अपडेट किया गया है तो उसके ऊपर अब इमेजिन के हजारों फंक्शंस हैं और हजारों के टेस्ट लिखे हुए हैं आपने कुछ नए ऐड किए हैं या पुरानों को चेंज किया है वो अब बहुत सी दूसरी चीज़ों पर अफेक्ट कर होगा तो अब आप क्या हज़ारों को एक एक करके टेस्ट करेंगे नहीं ना तो अगर आप पहले दिन से ही ऑटोमेटिक टेस्टिंग या टेस्ट रिव डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो आपके सारे फंक्शन के जो टेस्ट होते हैं वो भी लिखे होते हैं मिसाल के तौर तो पर एक फंक्शन है सम का जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है तो उसके टेस्ट क्या होंगे उसको लिखने का तरीका ये होगा मैं जल्दी से आपको लिख के दिखा देता हूँ Uh, कुछ इस तरह से होगा अब फॉर एग्जाम्पल सम है जी सॉरी फंक्शन सम रियल कोड लिखूंगा जो जिसको हम चला सकें सूडो कोड नहीं लिखता मैं सूडो कोड का क्या फायदा है सम ए और बी और ये फंक्शन क्या करता है रिटर्न करता है अच्छा ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है ए प्लस बी ठीक है और ए प्लस बी और सम समा फंक्शन में लिखूंगा टेस्ट सम और इसको भी आपने नंबर भिजवाए दो और यहां पे सम को आप कॉल करेंगे ए बी ए बी रिटर्न ए प्लस बी रिटर्न ए प्लस बी इक्वल इक्वल टू सम ऑफ ए बाइ मतलब हमने ख़ुद उसको सम किया और हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो दूसरा फंक्शन भी उनको आपस में रिटर्न कर रहा है उसी तरह से और इसको भी ब्रैकेट लगाना चाहें तो लगा लें लेकिन मसला नहीं है प्रिंस कहना चाह रहा था मैं अच्छा uh, अब देखिए जी इसको मैं सेव करता हूँ कोड के अंदर सेव कर लेता हूँ और सी आई सी डी एग्जाम्पल के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ डॉट जे एस ठीक है जी और टर्मिनल पे जाता हूँ क्लियर करता हूँ कोड के अंदर चले गए अच्छा कोड के अंदर हम चले गए और उसके बाद कोड में हमारे पास एक मिनट मैं इसको थोड़ा मजीद बड़ा करता हूँ और कोड में हमारे पास एक है जी सी डी सम नहीं सॉरी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सी डी एग्जाम्पल डिलीवरी बहुत सा मसला है इसका ये हॉल्ट हो तो जाता है आई टर्म टू फॉर सम रीजन अच्छा एस सी डी सी आई सी डी क्लियर और अब यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ फाइल्स को और इसको मैं नोड सम डॉट जे एस से चला देता हूँ तो अब ये देखें जी कि इसने ये रिटर्न किया है उसकी वजह ये है कि हमने इसको कॉल कहीं नहीं किया तो अब हम करेंगे टेस्ट सम को कॉल करेंगे विद नंबर्स वन एंड टू ये इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए लेकिन ये रिटर्न कर रहा है इसलिए हम इसको कंसोल डॉट लॉक करेंगे तो ये इसका आउटपुट ट्रू में आ जाना चाहिए ठीक हो गया जी इसी तरह से आप इसको बार बार टेस्ट कर सकते हैं यू दो तो तीन नंबर और भिजवा के माइनस वन माइनस टू भिजवा के तो अब यहाँ पे भी इसको थ्री के बराबर होना चाहिए अब उसके टेस्ट करने का एक और तरीका भी है कि जी ये आप रिटर्न करें यहाँ से मिसाल के तौर पर आप इसको भिजवा रहे हैं और इज uh, और एक और तरीका भी होता है सम ऑफ वन इक्वल टू माइनस थ्री आप मैनअल टेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली आपका टेस्ट ये करना चाहिए फिर आप जी, जी जीरो और माइनस uh, वन को ऐड कर रहे हैं तो माइनस वन आना चाहिए इस तरह आप टेस्ट लिखते हैं तो मुख्त तरीके हैं इसको टेस्ट करने के मैं डायरेक्टली भी आप टेस्ट लिखे हैं कुछ सामने अभी देखें टू टू फॉल्स आ रहा है लेकिन माइनस वन की जगह अगर मैं वन लिखता हूँ तो यहाँ पे कह देता हूँ नॉट इक्वल टू लिखते हैं ना हो है ठीक है ना फिर भी ट्रू ही आएगा बिकॉज ये वाली स्टेटमेंट वाकई फॉल्स है इस तरह से टेस्ट लिखे जाते हैं इमेजन कि यहाँ पे थाउजेंड ऑफ फंक्शन है और थाउजेंड ऑफ टेस्ट लिखे गए हैं अगर किसी एक फंक्शन को कोई गलती से देता है ऐसे ही चेंज कर देता है जो कि पूरे कोड को इफेक्ट करी है जहाँ जहाँ पे सम का फंक्शन इमेजिन दैट कैलकुलेटर के अंदर सम का फंक्शन ख़राब है तो पूरा फंक्शन पूरा कैलकुलेटर ही ख़राब हो गया ना तो अब देखें जी, जी सब के सब फॉल्स आ जाएंगे लेकिन मजे की बात देखी आपने कि दो सिचुएशन में ये फिर ट्रू और ट्रू दिखाई देगा माइनस वन माइनस ज़ीरो माइनस वन माइनस ज़ीरो वन ही होता है अब माइनस वन ये आखिरी दो को इसने ट्रू किया है और क्योंकि दो माइनस जो हैं वो एक और जीरो हो जाता है तो खैर अभी आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कभी ठीक भी दिखा सकता है गलती से लेकिन अनटिल अनलेस सारी की सारी आउटपुट सारे के सारे टेस्ट ट्रू नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आपने कोड के अंदर कोई ऐसी मनूज चेंज की है जो कि ठीक से काम नहीं रही मैं जल्दी से आपके कुछ कमेंट्स देख लेता हूं अगर कोई सवाल है तो उनकी बात करते हैं फिर हम कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो कोई इशू वाली बात नहीं है ये कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टीनस डेवलपमेंट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है uh, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी सर uh, कैसे दिन आप इनको इनवाइट करें सैयद फारूक बुखारी अच्छा मैं नहीं जानता सर लाइव रिकॉर्ड होगा जी बिल्कुल होगा आप जब चाहें देख लें बाद में सही है और ये मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है ट्विच के ऊपर है फेसबुक के ऊपर है ट्विटर के ऊपर है इंस्टाग्राम पे नहीं है फेसबुक और फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक ग्रुप आई सुपर फेसबुक की कम्युनिटी, मेरी पर्सनल प्रोफाइल मेरा पेज और इसके अलावा यूट्यूब हर जगह पे मौजूद है जहाँ से आपका जी चाहे देख लें सबसे अच्छी क्वालिटी वैसे ट्विच दे रहा है ट्विच डॉट टी वी और /isupercoder आई सुपर कोडर जो मशहूर गेमिंग स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर सॉफ्ट की कंपनी है अमेजान वर्ल्ड है और अभी ये मेरा कमेंट गया नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ ये आपके सवाल का जवाब हो गया ट्विच ये है जी ट्विच के ऊपर इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश आई है और ट्विच की जगह ट्विच डॉट की जगह डॉट कॉम स्लैश आई सुपरकोडर एट द रेट साइन भी शुरू में लगता है आई के पर ये ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा गुड 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 हैप्पी टू नो आप happy हैं। थैंक यू रिज़वान हैप्पी बर्थडे टू मी सत्रह लोग आप में से देख रहे हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो देखें इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं की जाती और पूरी दुनिया में भी टेस्ट इवेंट डेवलपमेंट जो है वो मतलब अच्छी कंपनीज में की जाती है सो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा और ऑफकोर्स मैं भी वर्ल्ड में पहली दफ़ा सेटअप कर रहा हूँ फ्राम स्क्रैच कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन को uh, वैसे मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया है इस काम करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर लेता हूँ और हम वापस आ जाते हैं कॉन्टी अब आपको वो मिसाल समझ में आ गई कि कुछ कि किसी बंदे ने नया कुछ कोड करके पुश किया है तो उसको बाकी लोगों के कोड के साथ मर्ज होकर चलाना कि भाई ये ये तो नहीं होगा कि बम फोड़ देगा और सारा कोड उड़ जाएगा तो आपने बेसिकली मेक श्योर करना होता है कि इट शुड वर्क प्रॉपरली अच्छा ये डेवॉप्स की प्राइमरी प्रैक्टिस है डेवलपर्स को मेक श्योर sure करती है कि जी वो मर्ज कर सकें खुश दिली के साथ कि भाई डर ना लगाओ कि okay, यार ये मैंने पुश किया तो ये ना हो okay, कि बाकी किसी का कोड उड़ जाए और अक्सर होता है अगर आप जो काउबॉय कोडिंग होती है उसमें यही होता है ना आप बार बार एरर्स क्रिएट कर रहे होते हैं बार बार फिक्स कर रहे होते हैं लेकिन एक बड़ी प्रोडक्ट है जिसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर आप खेल तो नहीं सकते ना आपने कस्टमर को बिज़नेस डिलीवर करना है मजाक तो नहीं कर सकते आप सो so, ये आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा वट इज़ कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये एटलेसियन की है जो कि बड़ी अच्छी खुद भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो मैं जल्दी से आपको ये शेयर कर देता हूँ और फिर आप देख लीजिएगा ये नीचे आपके पास कमेंट्स में सबके सब आ जाएंगे सर असल हैप्पी बर्थडे आई सुपर एल एम एस है जावा का छोटा मोटा हमने बनाया था और आई सुपर कोडर डॉट कॉम पर चले जाएँ वहाँ पर जावा स्क्रब को साइनअप कर लें कुछ नए ट्यूटोरियल्स भी आएंगे अब चूँकि मतलब मेरे पास एक टीम मेबर हैं जो कि मुझे हेल्प आउट करेंगे इस काम में तो अब जरा तेज़ी से काम आ जाया करेगा पहले मैं अकेला था तो मुझे एडिट नहीं होती थी तो अपलोड भी नहीं करता था भाई द वे आई का आई कैपिटल है और एस यू पी आर का एस कैपिटल है और फिर सी का सी कैपिटल है ये मेरी ब्रांडिंग है लाइक एज एन आई ठीक है जी और फिर जी आपने जो मैंने लिंक य यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था एटलेसियन वाला उस पर जाएँ और उसको पढ़ लें अच्छा अब मैं वापस चलता हूँ अब जी हम चलते हैं कहाँ पे कहाँ पे चलते हैं अभी हम चलते हैं जी आ, अच्छा बाय द वे ये मैं स्क्रीन जो है चौबीस मिनट की हुई है मैं एक घंटे से ज़्यादा की नहीं करूँगा जितना अभी सेटअप हो गया वो करेंगे फिर एक फिर दोबारा कल करेंगे क्योंकि मुझे ये काम डिलीवर करना था तो मैं एज सुन एज़ पॉसिबल इसको करना चाहता हूँ अच्छा जी अभी दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको अपनी स्क्रीन हमने बात कर ली कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन की इस मैं आपको बता चुका था आपको किस तरह से करनी चाहिए मतलब जहरी बात है इसका एक तरीका कार भी होगा ना तो उस तरीका कार के अंदर आपने अपनी गेटरी पॉजिटरी में जब कुछ चेंज आती है जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होती है उसको ऑटोमेटिकली टेस्ट रन करने हैं वो किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से करने हैं और फिर जो आउटपुट होगी अगर वो सारे के सारे टेस्ट ट्रू रिटर्न कर रहे हैं दैट मीन्स कि जी आपकी कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन इंटीग्रेट होने के लिए कोड रेडी है उसने किसी चीज़ को ख़राब नहीं किया और नई फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दिया या बग को फिक्स कर दिया तो बाजू बात आप जब कोई फंक्शनैलिटी चेंज करते हैं तो फिर उससे रिलेटेड अगर जो मैथड्स हैं फंक्शन हैं टेस्ट इवेंट डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो उनको भी चेंज करते हैं ताकि आपको पता हो कि आपका एंड रिज़ल्ट क्या है सही है और ये ठीक से काम कर रहा है आपके टेस्ट फेल तो नहीं होंगे आप लोकली भी रन करके पुश करते हैं लेकिन ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि जब आपका कोड मर्ज हो तो वो क्वालिटी वाला कोड हो और ये आप इसको ज्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं और ये डेव ऑप्स कहा जाता है इसको डेवलपर ऑपरेशंस और हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर टीम्स के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है इसके बगैर इमेजिन करें कि दिन में 20 बंदे अपना कोड पुश कर रहे हैं और सारे कब हैं किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ से गोली मारी तो कहाँ जाके लगेगी सो इट ड वर्क लाइक दैट इन बिग सॉफ्टवेयर कंपनीज और वहाँ पे इन प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया जाता है अच्छा जी अभी अ, हम क्या करते हैं कॉन्टीन्यूस uh, डिवेलपमेंट की बात करते हैं थोड़ी सी कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस डिवेलपमेंट मेंट uh, अच्छा अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट जो है ये एजेल सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट का कॉन्सेप्ट है और इसको मैं जरा ओपन कर देता हूँ इस इमेज को ताकि आपको ज़रा क्लियरली हम बता सकें सो <coughs> so जी एजेल के प्रोसेस क्या होता है कि दो हफ्ते की एक क्या कहते हैं स्प्रिंट होती है नहीं सॉरी उसको क्या कहा जाता है स्क्रम सॉरी स्प्रिंट ही कहते हैं उसको उसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि इसमें हम ये 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 काम करेंगे ये हमारा इरादा है और जस्ट अ मोमेंट मुझे एक मिनट दीजिएगा मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया तो मैं उनको क्लाइंट को वक्त पे जवाब देना बड़ा ज़रूरी होता है <स्थ> नहीं क्लाइंट का मैसेज आया कि जी मैं तो आ, मैं तो लेट हूँ तो हमारे पास मज़ीद कुछ टाइम आ गया वरना मैं दस पंद्रह मिनट के अंदर अंदर जाना था विच इज़ गुड उनको जब मैं फ़ारिग हुआ तो फिर जवाब दे दूँगा कि जी इट्स ओके okay. अच्छा सो so, अभी फिर हम ये करते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एजाइल रिलीज़ ट्रेन क्या होती है कि ये बेसिकली ये एक ट्रेन की तरह की शक्ल बनी हुई है इसको सॉफ्टवेयर बनाने में जब नई रिलीज़ेज निकालते हैं नए बग फिक्सेस करते हैं वो आपने देखो अगर वर्जन 1.2 1.3 तो 0.3 में कुछ चेंजेस करते हैं या बग फिक्सेस करते हैं फिर रिलीज करते हैं इसी तरह से ये जिस तरह से एप्पल का आईओएस है तो इसके भी कुछ वर्जन नंबर होगा जिस तरह से यहाँ पे यहाँ पे तो नहीं आ रहा हां मैक ओएस वेंचुरा 13.2 आ रहा है और ये साथ में देख रहे हैं 22d49 इनके कोड्स होते हैं जिससे ये पता चलता है ये कोड कॉपी किए करेगा ना वो बंदा वो अपने सिस्टम में डालेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये ये बक्स थे कस्टमर को फॉर एग्जांपल उसकी वैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दे विल इमीडिएटली फिक्स बाय अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर और उनको पता चल जाता है खैर ये उनका अपना कोड है और कॉन्टीन्यूस एक्सप्लोरेशन जिसके अंदर आप ट्राई कर रहे होते हैं चीज़ें और फिक्स करते हैं फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन की मदद से वो कोड आपका मर्ज हो जाता है अब उसको कहीं पर रखना तो है ना मतलब आपने सॉफ्टवेयर तो मर्ज कर दिया कोड तो मर्ज कर दिया अब उसके बाद उसको कंपाइल करना है बिल्ड करना है और फिर उसको डिप्लॉय करना है किसी सर्वर के ऊपर या अगर वो ऐप है तो प्ले uh, स्टोर पे डिप्लॉय करना है या आईफोन की ऐप है तो उनका अपना जो स्टोर है एप्पल uh, का ऐप स्टोर जो है उसके ऊपर डिप्लॉय करना है इट कुड बी एनी अगर वेब है तो उसको किसी सर्वर पर नए कोड को डिप्लॉय करना है ताकि कस्टमर्स नया नई फंक्शनैलिटी को हासिल कर सकें या नए बग फिक्सेस जो हैं वो कस्टमर को डिलीवर किए जा सकें तो ये जो है डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस कहा जाता है कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट बिकॉज ये पूरा साइकिल चल ही नहीं सकता जब तक आप कॉन्टीन्यूसली एक्सप्लोर नहीं करेंगे नए चीज़ों को उनको फिक्स नहीं करेंगे उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे और फिर उसके बाद उनको डिप्लॉय नहीं करेंगे फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है अच्छा तो इसको कहा जाता है डिप्लॉय कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट अब इसमें होता क्या है यहाँ पे आपने काम किया फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया मतलब मर्ज कर दिया अपने कोड को फिर आप डिप्लॉय करते हैं उसको ये एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू आप डिप्लॉय करते हैं फिर वेरीफाई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेरीफाई किस तरह से होता है एक टेस्ट इन्वायरमेंट होती है जिसमें उसको टेस्ट किया जाता है फिर उसको मॉनिटर किया जाता है वेरीफाई करने के बाद कि जी ठीक चल रहा है थोड़ा सा चेक करते हैं फिर जब चेक किया कोई मसला आता है दोबारा से इस प्रोसेस में जाता है फिर इधर आता है फिर दोबारा जाता है फिर आता है अगर इनकेस इसको दोबारा से करना हो और जब ये सारे का सारा इस प्रोसेस से गुजर के इधर तक पहुंच जाता है ख़त्म हो जाते हैं वो सारे फीडबैक वगैरह फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है ऑन डिमांड बस दैट्स इट बहुत आसान है और ये मैं थोड़ा सा आपको कॉपी कर देता हूँ आप इसको स्टडी करें ऑन योर ओन टाइम अभी हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता डेब ऑप्स का लर्निंग पाथ के लिए आ, नहीं डेब ऑप्स का लर्निंग पाथ नहीं कर रहा मैं ये अपने ऑफिस का काम कर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी मैंने कहा कम अज़ कम कमिटेड हो जाऊंगा मैं इस काम को फिनिश करने में दूसरा मैं एक क्लाइंट की कॉल का इंतज़ार कर रहा था वो भी होनी थी दो बजे अमेरिका के दो बजे दिन के और यहाँ के अमेरिका के नहीं वो अमेरिका के साथ एक और मुल्क है वहाँ पे थे तो मैंने फिर उनका इंतज़ार करना था इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गया मैंने कहा चलो इनके साथ बातचीत करते हैं उतनी देर में शायद बाकी लोगों को भी भला हो जाए कोई कुछ चीज़ समझ में आ जाए क्योंकि ये चीज इन चीज़ों में बहुत कम काम होता है पाकिस्तान में मुझे इतना पता है अच्छा जहाँ तक लर्निंग पाथ का ताल्लुक है तो डेव ऑप्स के लर्निंग पाथ में आपको दिखा देता हूँ मैं पाथ डिवेलपर रोड मैप दिखा देता हूँ आपको डिवेलपर मेरे एक दोस्ती हैं उन्होंने बनाया रोड मैप और डॉट एस एच है वेबसाइट का नाम रोड मैप डॉट एस एच ठीक है ये कामरान ने बनाई है बड़ी अच्छी फैसलाबाद के अभी जर्मनी में रहते हैं और ये दुनिया के टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में से एक है तो यहाँ पे देखें सबको मिल जाएगा ये अच्छा यार आप लोग ना पाथ बहुत मांगते रहते हैं पाथ पे चलना तो शुरू करो यार खुद ढूंढो अपना रास्ता तो ये चैलेंज है अब आपको ये बहाना भी ख़त्म हो गया है कि डेव ऑप्स का हमारे पास पाथ नहीं है ठीक हो गया जी ये पकड़ें और शुरू हो जाए अब देखें इसके अंदर मैं जिस पे काम करूंगा डॉक्टर पे करूंगा और जेंकिन पे करूंगा मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती लेकिन मुझे अपने काम की चीज़ें पता है देखें ये ये सारी चीज़ें हैं इस पर भी करना है ट्रेविस पे भी करना है अभी इसकी एक्सेस उन्होंने मुझे नहीं दी टीम सि पे भी मैंने काम किया हुआ है इस पर भी किया हुआ है सर्कल सी पे भी किया हुआ है गेट हफ एक्सेंस थोड़ा बहुत किया है गेट हफ सी एल आई गिट लैब सी एल आई किया हुआ है सो मतलब ये देख रहे हैं ड्रोन का मुझे नहीं पता क्या चीज़ है सो ये है जी आपका स्टैक जहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट वगैरह करते हैं स्प्लंक ये जावा जावा से रिलेटेड चीज़ें नहीं लॉग मैनेजमेंट है ठीक है तो ये आपका मॉनिटर सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सी आई सी डी टूल्स हैं आपके ठीक है जी इनको आपने करना है और <coughs> इनमें से सिवाए एक के ड्रोन के मैंने सब पे काम किया हुआ है थो, थोड़ा बहुत ट्रेविस पे ज़्यादा किया है जेंकिंस पे ज़्यादा किया है तो ये आपका जी डेवॉप्स का आ, आ गया रोड मैप अब और कोई बहाना नहीं चलेगा आप काम शुरू कर कर दें ठीक है जी और इसको मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ ताकि आपको ये मिल जाए और बवकते ज़रूरत काम आए ठीक है जी बहुत अच्छा सवाल था लेकिन ये सवाल मुझसे कुछ सैकड़ों दफ़ा पूछा गया है अगली दफ़ा फिर पूछते हैं लोग <laughs> अच्छा चलें कोई बात नहीं बस अब शुरू हो जाएँ इसको पढ़ें इस पर मेहनत करें अब मैंने देखा अच्छा ये मैंने जो एक्सपीरियंस है अपना वाला जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने कई सालों में ये चीज़ें की हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ आ जाए आप इनमें से एक एक करके सारी चीज़ों में से सीख सकते हैं जो आपके कम, काम के मुताबिक सूटेबल हो अच्छा जी ये हम बंद कर लेते हैं अब इस लिंक को भी इसको भी बंद कर लेते हैं मिस्टर जेंकिन को भी बंद कर लेते हैं और इसे भी बंद कर लेते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं रही और बाकी टैब्स को बंद कर लेते हैं में मैं मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख रहा था और ये मेरे चैट जी के अंदर प्लस का भी आ गया ट्वेंटी डॉलर मंथ ये मैं ख़रीदूँगा क्योंकि मुझे बड़ा ज़रूरत पड़ता है ये और मैंने ट्रेनिंग भी करानी है वीकेंड पे तो मेरा ख्याल है कि मुझे ले लेना चाहिए ताकि अप टाइम ज़्यादा हो क्योंकि अक्सर बंद भी हो जाता है और मुझे वैसे भी ज़रूरत पड़ता है अपने काम के लिए तो मैं ले लूँगा अच्छा सो अभी क्या करना चाहिए हमें आ, अभी हमें यह करना चाहिए कि हमें जो हमने इतनी बातें की हैं अब उस पर काम करना चाहिए ठीक है जी githubcom हब डॉट कॉम स्लैश फादी अच्छा मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है लेकिन मैंने अब मीटिंग का इंतज़ार करना और मीटिंग में ती, तीस एक मिनट रहते हैं तो मैं सुबह उठ के कर लूँगा लेकिन इस लाइव स्ट्रीम को मैं आ, एक घंटे से ज़्यादा नहीं करूँगा और फिर जो मैं उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा वो उसको बाद में आपको फिर बताऊँगा मैं तकरीबन चौंतीस लोग मुख्त्य प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठे देख रहे हैं विच इज़ बिग फॉर मी एट दिस टाइम लाइक आधी रात को रात के एक बजे बड़ी बात है और शो मोर एक्टिविटी कितने गई अच्छा यहाँ पे मैंने एक दिन को एक फोर्क की थी रिपोजिटरी फ़ोर्क करने का मतलब ये है अगर आपको नहीं पता कि कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी होती है गिट हब के ऊपर वर्जन कंट्रोल्ड उसको आप अपने पास उसका एक छापा मार लेते हैं और फिर उसके अंदर चेंजेस करते हैं अगर आपने करनी है और फिर अगर आपने कंट्रीब्यूट करना है मेन वैली में तो उसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने शुरू में आपको दिखाया है इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा सुनते रहें दोबारा सुन लेना कोई सवाल है नीचे पूछा करें कोई मसले वाली बात नहीं है सवाल बस पूछा करें और इतना आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो साथ में सवाल पूछा करें ताकि मैं कुछ कुछ देर बाद ब्रेक लेता रहूँगा आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा अच्छा जी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ Uh, किया था हाँ थ्री uh, रिपोजिटरीज़ ये फेबररी की हैं और ये डॉकर डब्ल्यू भी ये तीन रिपोजिटरी बनाई थी uh, बाकियों पे मैं खुद काम कर रहा हूँ लेकिन ये मैंने थर्ड पार्टी की फोर्क की थी सो so, ये देख रहे दिस ब्रांच इज़ अप टू डेट विद एफ जुडेथ डॉकेट डब्ल्यू वर्ड प्रेस मास्टर अच्छा मेरे पास तो मेन ब्रांच होगी ना ये मास्टर ही चलाई जा रही है मेन ख़ैर, इट डजन मैटर और ये कुछ इस तरह का सेटअप होगा मैं आपको दिखा देता हूँ जरा अब ये देखें हमारे पास वर्ड प्रेस यहाँ पे है मौजूद और इसको हमने डॉकर के ऊपर सेटअप किया हुआ है एक वर्ड प्रेस जो है वो पी एच पी एफ पी एम के ऊपर है जो पी एच पी जिसके ऊपर चलती है वर्ड प्रेस दूसरा इसको क्या चाहिए क्या चाहिए होता है इस लोड बैलेंसर ने लोड बैलेंसर के बारे में बात करते हैं जब यूज़र कुछ मांगता है तो दरमियान में एक सर्वर बैठा होता है यहाँ पे इंजेक्स भी हो सकता है और अपाची भी हो सकता है ज़्यादातर आजकल इंजेनिक्स इस्तेमाल हो रहा होता है एक लाइट वेट है और इसको इसकी कन्फिग्रेशन भी कोड वाइज बड़ी आसान है एटलीस्ट मेरी नज़र में अच्छा फिर वर्डप्रेस को एक डेटाबेस भी चाहिए होता है उसका भी एक कंटेनर बन जाता है कंटेनर का मतलब मैं समझाऊंगा घबराने की जरूरत नहीं है एक कंटेनर ये एक कंटेनर ये एक कंटेनर ये अलग अलग चल रहे होते हैं एक ही खाने के अंदर और फिर उसके ऊपर आप कैशिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम मैम कैश भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रो सर्विस होती है ये छोटी छोटी सर्विसज मिलकर एक पूरा सर्वर बना देती हैं ये सर्विसेज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बना देती हैं जो कि जब यूजर कुछ रिक्वेस्ट करता है अपने डेस्कटॉप से या मोबाइल से इंटरनेट से इधर से इंटरनेट से या इधर से इंटरनेट से और वो फायर से गुजरते हुए रिक्वेस्ट जब जाती है आपके सर्वर को दरमियान में लोड बैलेंसर लगा होता है इस लोड बैलेंसर का ये फायदा होता है कि इस तरह की बेशुमार सर्विसेज आप लगा सकते हैं अगर यहाँ पे बोझ ज्यादा हो गया तो इसको कॉपी करेगा इधर एक और लगा होगा का रेप्लिका उसको भिजवा देगा कुछ डेटा इधर कुछ डेटा इधर से रिसीव कर लेगा कुछ इधर से कर लेगा जितने तीर लगा दें मर्जी है लग जाएंगे और दैट्स दैट आई गेस और फिर ये रिस्पॉन्ड करता है फिर जब ये सर्विसेज में से किसी एक सर्विस की जरूरत होती है ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं एक रिस्पॉन्स बनाती हैं इसको वापस करती हैं ये या तो डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी भी चीज़ से आप इस्तेमाल करें या मोबाइल से तो उसको वापस कर देता है सो दैट्स दैट ये तरीका होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का अब इसके अंदर देख रहे हैं ना कि ये कितनी कितने मूविंग पार्ट्स हैं तो इनका आपस में फिर करने के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने हर चीज़ को प्रॉपरली टेस्ट किया हो और अगर सैकड़ों टेस्ट हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं तो ये तो बेवकूफ़ाना बात है ना कि वो मैनवली आप करें टेस्ट नहीं आपको क्या करना है आपको ऑटोमेटिक टेस्टिंग करनी है ताकि आपके सारे के सारे टेस्ट खुद ब खुद रन हो जाए ऑफकोर्स उनका क्राइटेरिया आप सेट करते हैं और अगर कोई टेस्ट फेल हो रहा है तो फ़ौरन से रिपोर्ट बैक हो और उस बंदे का कोड मर्ज ना होने दें मर्ज हो गया तो वो वक्त तो सारा वापस आ गया तो उस बंदे का जो कोड है अगर मर्ज ना होने दें तो वो उसका तरीकाकार क्या होगा आपका प्रोसेस जब रन करेगा इस सारी चीज़ को टेस्ट करने के लिए तो अगर वो फेल हो रहे हैं टेस्ट तो वो क्या करेगा उसको अलाउ नहीं करेगा उसकी पुल रिक्वेस्ट को रोक देगा वहीं पर कि जी इसको मर्ज नहीं करना नीचे मैसेज भी दे देगा कि क्या एरर आ रहा है और लिंक भी दे देगा कि यहाँ पर जाके चेक कर लें कि क्या मसला है अब वो डिपेंड करता है आपके टूल पे कि वो क्या, क्या क्या कर सकता है और किस तरह से आप उसको कन्फिगर करते हैं अब देखें जी इसका रोड मैप क्या है आगे आने वाले का लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि यहाँ पर वर्ड प्लस सी एल आई की मदद से वर्ड प्लस इसके अंदर इंस्टॉल होगी मरिया डी बी की सर्विस होगी मैम कैश की होगी जो तो कैशिंग के लिए इस्तेमाल होती है एनजेनिक्स वर्ड प्लस और वर्ड प्लस सी एल आई जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको तो ये सब मिलाकर एक सर्विस को जन्म देगी अच्छा और अब करना क्या इसको हमने अच्छा इसको चलाना है अब देखते हैं जी कि इसको किस तरह से चलाया जाता है डॉकर कंपोज होता है डॉकर कंपोज अप का एक तरीका कार होता है उसको चलाते हैं जब मैं इसको लोकली कॉपी करता हूं ना फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है चलते हैं देखते हैं कि क्या हमने इसको पहले तो क्लोन नहीं किया हुआ अगर नहीं किया हुआ तो हम इसको कर लेंगे

ये अभी करंट फोल्डर के अंदर अगर आपने इसको क्लोन करना है तो ये डॉट के डॉट uh, से मिल जाता है अभी कहते हैं कि एम नहीं है तो हम वापस चलते हैं और आर, आर एम करते हैं रिमूव और करसिवली फॉर्मेट करेगा करसिव एफ का क्या मतलब मुझे नहीं पता लेकिन हाइफन आर का मतलब ये होता है करसिवली करेगा मतलब इस फोल्डर के अंदर भी जो कुछ काम होना है ना वो सब का सब कर देगा ओके uh, सी डी रिमूव आर आर एम आर एफ डब्ल्यू पी डॉकेट डब्ल्यू पी उसका फोल्डर इस नाम से डॉकेट डब्ल्यू पी के अंदर आ गया है सी डी डॉकेट अब उस फोल्डर के अंदर हम आ गए गेट yes, अच्छा अब हमारे पास डॉकेट कंपोज की एक फाइल है इसको हम चलाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे डॉकर कम्पोज अच्छा डॉकेट का भी समझाता हूँ ये है क्या अच्छा डॉकर कम्पोज मैंने ठीक से नहीं लिखा था कमांड गलत चूज की थी लेकिन ये डॉकर बिल्ड ये हाँ डॉकर बिल्ड करेंगे हम पहली दफा तो बिल्ड कर रहे हैं ना देखें काफी कुछ होता रहेगा क्या हो रहा है नहीं डॉक्टर कंपोज अप होगा मेरे ख्याल से फिर देखते हैं डॉक्टर कंपोज की फाइल मौजूद है ना क्योंकि डॉक्टर बिल्ड और मतलब है डॉक्टर कंपोज कंफर्म कर लेते हैं मैं एक मिनट की ब्रेक लेता हूं मैं मुंह धो के आता मुझे नींद आ रही है जस्ट अ मोमेंट मैं दिन को नहीं सोया रहा तो इसलिए मेरी एनर्जी लेवल्स थोड़े से कम है लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं अभी एक्चुअली मैंने खाना भी नहीं खाया रात का ये भी एक रीज़न है खैर अभी चलते हैं आगे और बात करते हैं सो डॉकर कंपोज किस तरह से चलता है ये है जी डॉकर कंपोज कम्पोजर वीडियो जरा सी इसका वर्जन भी देख लेते हैं हम इसको बंद कर देते हैं और अब यहाँ पे हम इसको ठीक देख लेते हैं सब लाइन पे दे डायरेक्टली देख लेते हैं ये कोड में भी लिखा जा सकता है लेकिन इस बिल्ड आपने तो कितनी तेजी से खुलता है तो वर्जन टू ही है हमारे पास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये करता क्या है डॉकर कंपोज अप कंपोज फाइल बिल्ड यही है कमांड चलते हैं वापस काफ़ी अच्छे से डॉक्टर पे काम नहीं किया तो मुझे आप देख सकते हैं अच्छा अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखें वर्ड पस मैम कैश एस सी एल आई और उसके अलावा दो सर्विसेज सर्विस तीमारी अडीबी की वो सब को पुल कर रहा है और ये इंटरनेट से भी डाउनलोड हो रही हैं सारे के सारे इमेज़ इसलिए क्या हो रहा है कि देखें जी हमें मुखलिफ़ चीज़ें चाहिए मिसाल के तौर तो पर अपने काम के लिए ये समझ लें ये वर्ड पस है ये समझ लें ये माई एस क्यूल है ये समझ लें कि ये जो है ये दोनों को बिजली लगाने के लिए है बिजली का कोई कनेक्टर है ये तीसरी कोई सर्विस है ये चार्जर जो है बैटरी का बैटरीज का ये कुछ और सर्विस है तो ये सारी सर्विसेज जो कि हमें चाहिए ना इस कमरे के अंदर जो जो चाहिए वो हम बेसिकली पुल कर रहे हैं तो ये हमारा जो कंप्यूटर है इसको इस वक्त इन तमाम सर्विसेज की ज़रूरत है जिनको हमने ऑलरेडी कन्फिगर किया हुआ है कि भाई जब मैं कहूँ डॉक्टर कंपोज अप तो आपने भाई ने खड़े हो जाना और ये ये कर देना है सारा काम तो मैं वो दिखा भी देता हूँ आपको फ़ाइल ये वाली फाइल अब देखें इसके अंदर वॉलीम्स उसने सेटअप किए हुए हैं कि जी मुझे ये, ये डायरेक्टरीज चाहिए वर्डप्रस डेटा वर्डपस टी वी सर्विसज बताई हुई हैं कि मरिया टी वी जो है माई स्क्ल है बेसिकली इसशली ओपन सोर्स इसी तरह मैम कैश्ट है इसी तरह इंजेनिक्स है इसी तरह से वर्डप्रेस है सी एल आई की भी सर्विस है और उसकी सारी किन्फिग्रेशन की यूज़र नेम पासवर्ड क्या होगा और वो सब कुछ सो so ये भी पुल कर रहे हैं इसके सब सबके सब, सब <coughs> और फिर हम देखते हैं क्या आगे क्या करना है हमने इसके बाद हम इसमें जैकिंस भी चलाएंगे लेकिन वन थिंग एट अभी ये काफी देर लगेगी उतनी देर तक हम थोड़ा सा जैंकिस के बारे में पढ़ लेते हैं जैकिंस हमें कब चाहिए अच्छा ओकर ऑक्स बोस, बोस। इसी का पार्ट बना देते हैं एक ही चीज का एक ही कंपोज का बेसिकली ये सारी सर्विसेज आपस में जुड़ जाती हैं फिर देखते हैं किस तरह से होता है तो ये डॉकर कंपोज का है ये इसको एज ए सर्विस आप ऐड कर सकते हैं यू ये देख रहे हैं वर्जन थ्री पॉइंट एट है ना और सर्विसेज में आप यू इस तरह से लगा सकते हैं तो ये एक दफ़ा हो जाए तो फिर हम नई सर्विसेज डॉकर जेनकिंस की सर्विस को ऐड करते हैं और फिर फिगर आउट करते हैं कि हमने क्या करना है और अगर आज ना कर पाए तो फिर आज हम छुट्टी करेंगे और नेक्स्ट वाली लाइव स्ट्रीम मैं कल रिस्कैड्यूल करूँगा और उसमें फिर मैं आपको दिखा दूँगा अभी वो हो रहा है पता नहीं स्क्रीन शेयरिंग क्यों बंद हो गई है खुद ही हो जाती है और इसको बिल्ड करेगा जब ये बिल्ड कम्प्लीट हो जाएगा तो ये सारे के सारे मुकम्मल हो जाएंगे और आपके पास एक प्रॉपर डॉक्टर की मुख्तल सर्विसेज चलना शुरू हो जाएंगी जब आपको डॉक्टर के अंदर कोई चीज देखनी हो कि वो एक मिनट डॉक्टर का एक यू भी होता है यहाँ पे तो डॉक्टर का एक यूआई भी होता है जिसको हम ये है जी यहाँ पे ऊपर आपको ये छोटी सी वेल सी दिखाई जाती है दे जाती है वहाँ से अपने डॉगर को ओपन करना होता है तो मैं बाकी चीज़ें क्लोज करता हूँ तो मेरे पास सामने खुद ही आ जाएगा इधर ही कहीं होगा सर्विस इस वक्त बहुत सी चल रही हैं तो मैं छुपा हुआ है अरे यार तो भाई एपोलोजाइज अच्छा so, मैं ये बहुत कम यूज़ करता हूँ ये कुछ सर्विसेज और ये हर वक्त हाँ ये आ गया जी डॉक्टर इसका डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये ग्राफिकल इंटरफेस में भी आपको चीज़ें डॉकर के अंदर दिखाई दे देती हैं अच्छा अब यहाँ पे मुख्तफ इमेज़ जो डाउनलोड हुए हैं ना वो दिखाई देंगे आपको अब ये देखें जैकिन भी डाउनलोड हुआ हुआ है इसी तरह से क्यू बी पी आई सर्वर है बहुत सी चीज़ें वर्ड पैस हुआ हुआ है माई स्केल हुआ हुआ है मरिया डीबी भी हुआ हुआ है और उसके अलावा भी है किंस्टा का डव किंस्टा जो मैं यूज़ कर रहा था वो और भी इसके अलावा काफ़ी कुछ है तो जब ये पुल हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसको एक दफ़ा चलाएँगे और फिर हम छुट्टी करेंगे और इसको मज़ीद फिर सेटअप करेंगे और आपको नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं फंक्शंस जो हमने टेस्ट लिखे हुए हैं वो टेस्ट चलते हुए भी दिखाऊंगा कुछ टेस्ट लिखेंगे और फिर हम चलाएंगे वो तो एक छोटी सी एग्जांपल दी थी ना सम की ताकि आप लोगों को बात आसानी से समझ आ जाए और मैं एक जल्दी से एग्जांपल दे सकूं सो लेट्स जस्ट सी के ये कहाँ पर पहुँचाए कंप्लीट हो गया है कुछ डाउनलोड हो रही है लेकिन अगेन आपने डॉकर कंपोज के बाद डॉकर कंपोज आपके बाद डॉकर कंपोज कमांड्स देख लेते हैं मैं आपको ये थोड़ी सी कह देता हूँ कमांड्स ये अप होता है डाउन होता है और डी भी भी होती है होती तो बहुत सी है उनके बहुत सी पैरामीटर्स होते हैं डॉकर कंपोज कमांड्स तो डॉकर कम्पोज सी पी कापी करने के लिए क्रिएट अप डाउन और इवेंट्स events, events देखने के लिए जो मुख्तलिफ़ फ्लाग्स होती हैं अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उतनी देर में जब तक डॉकर uh, कम्पोज हो रहा है uh, Docker Compose कम्पोजिंग सर्विसज को चला रहा है जो कि है हमारे पास मौजूद तो What इज़ डॉकर कम्पोज डॉकर कम्पोज करता क्या है बेसिकली एक स्ट्रक्चर uh, है कोड कोड के थ्रू डिफाइन करने का तरीका है कि जी हमारे हमारे इस सारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी सर्विसेज है? तो हैं तो अगर मल्टीपल सर्विसेज हैं तो मल्टी कंटेनर होगी अब बेसिकली होता क्या है कि इमेज जो हैं मुख्तलिफ़ मशीनस के फॉर एग्जांपल डॉकर का एक इमेज है अपना भी आ, इसी तरह से वर्ड का अपना एक इमेज है मरिया डी का अपना एक इमेज है वो पूरे के पूरे इनिनिक्स मशीन को डाउनलोड करता है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है ना कि चार पाँच मुख्तिक छोटे छोटे सर्वर्स को डाउनलोड कर रहा है ये और इमेज़स को डाउनलोड कर रहा है और फिर उनको सेटअप कर रहा है But by यूजिंग compose वी कैन डिफ़ाइन द services इन वाई एम एल फॉल हमने सर्विसेज के अंदर डिफाइन कर दिया ना ये कि ये ये हमारी सर्विसेज हमें चाहिए जिसमें हम मजीद भी ऐड करेंगे जैंकि भी ऐड करेंगे और बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे डॉकर ऑलरेडी हमारे पास यही डॉकर है तो ये आप सर्विसेज डिफ़ाइन करते हैं कि जी मैम कैश ये चल रही है कैशिंग के लिए इंजिनक्स ये चल रहा है वॉटप्रेस ये चल रहा है सी एल आई तो ये सारी सर्विसज मिलकर एक बड़ी सर्विस को बनाती हैं और मिल के काम करती हैं to understand the docker compose, let's look at mintra as example. mintra is a fashion e-commerce website similar to amazon. you can visit mintra website through your web browser and go through several activities like logging into your account, browsing a catalog, checking out, and so on. behind each of these activities or services are different products such as account database, product database, card database, and others that run behind these scenes. इन सब के लिए लदा लजादा सर्विसज़ है किसी के लिए डेटा बेस इस्तेमाल कर रहा है किसी के लिए डिफरेंट डेटा बेस इस्तेमाल हो रहा है और आखिर आखिर में वो मिल के एक सर्विस को बड़ी सर्विस को जन्म देते हैं सो दैट्स दैट और डॉक्टर कंपोज वही बात है कि जब मुख्तलिफ़ सर्विसज़ को चला रहा है तो उन सर्विसज़ की अपनी भी कुछ कन्फिग्रेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें वर्ड प्रेस लिखा गया ना लेकिन आपका वर्ड प्रेस यहाँ पे तो डिफाइंड नहीं है डायरेक्टली उसको मिल गई लेकिन ऐसी सर्विस को देखें जो कि इंजन है फॉर एग्जाम्पल तो एंजन का आप देख रहे हैं कि उसकी अपनी डॉक्कर फाइल है अपनी इंजन की कन्फिग्रेशन है उसकी अपनी वर्ड की कन्फिगरेशन है सो एवरी थिंग जस्ट वर्कस इन कंजंक्शन वी ईच अदर टू गिव यू दीज सर्विसिज़ लाइक अब वर्ड की जो स्पेसिफिक थी वो कोई डिटेल्स नहीं है लेकिन जो कि इंजन के सर्वर को डिफरेंट सेटिंग्स की ज़रूरत होती हैं तो कन्फिग्रेशन भी है उसके पास उसके पास वर्ड की भी कन्फिग्रेशन है और उसके बाद उसके पास इंजेक्स के अंदर पूरी डॉकर फाइल है कि जिसके अंदर बता रहे हैं कि किसने मेंटेन की हुई है ये और इंजीनस कहाँ से आएगा उसका उसका टैप क्या होना चाहिए टैग क्या होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए या नाइटली होना चाहिए कौन सा अगर नाइटली है तो वो आपको जो भी नया रिलीज़ होता है फॉर फॉर से मिल जाता है वरना कुछ टाइम लगता है फिर आपने उसके अंदर एस पी टी अपडेट और ए इंस्टॉल भी करना है ये वाई क्यू क्यू अब इसकी क्या ज़रूरत है मुझे नहीं पता और बाकी कन्फिग्रेशन करनी है और उसके बाद वो चल पड़ेगा तो एट द सेम टाइम इट्स जस्ट डाउनलोडिंग 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 कम्प्लीट कम्प्लीट अच्छा जी हो गया अभी देखें इसने क्या किया है उन इमेजेस को डाउनलोड किया मतलब वो यूँ समझ लें कि इंटरनेट से डेटा को डाउनलोड किया है बाइनरी फॉर्मेट में वो इमेजेस थे अब उनको चलाया है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप कंप्यूटर लाते हैं या टैबलेट लेकर आते हैं बाजार से या फ़ोन लेकर आते हैं तो आपने उसको अभी ऑन नहीं किया डब्बे से नहीं निकाला अभी उसने वो डब्बे सारे सेटअप किए हैं जिन डब्बों के अंदर कौन कौन सी सर्विस चल रही होगी तो देखें क्रिएट पी कर ली डॉकेट डब्ल्यू पी क्रिएट डी बी डॉकेट डब्ल्यू पी वर्ल्ड प्लस डेटा डॉकेट डब्ल्यू पी मरिया डीबी वन डॉके डब्ल्यू पी मैम कैश्टन सो ये उसने नाम रखे हैं अब जाके हम देखते हैं कि कंटेनर्स में हमारे पास जी ओ आई के अंदर क्या क्या नई चीज़ें बनी हैं तो देख लेते हैं और इसको सॉर्ट करेंगे सॉर्ट अन यूज नहीं चाहिए तो इन यूज़ करेंगे इन इन यूज़ से हमें वो सिर्फ दिखाई देंगे जो कि वाकई इस्तेमाल हो रहे हैं अभी देखें वर्ड प्लस माइस्क्यूल नहीं हमें कंटेनर्स में जाना है इमेज़ तो हमने डाउनलोड कर लिया था ना पहले उसके बाद कंटेनर्स की बात अभी देखें ये यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ मेरा ख्याल है मेरा नहीं ख्याल कि रिफ्रेश की, की ज़रूरत है पर यहाँ पे सामने ये ऑन आपको दिखाई देने चाहिए ये डॉक्टर डब्ल्यू पी हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसके अंदर मतलब सर्विसेज है ये डब्ल्यू साइट डब्ल्यू पी डेटा और ये वाला भी है तकरीबन एक घंटा पहले बना है और ये देख रहे हैं कि यूज बैक कंटेनर्स है अभी ये तीन मिनट पहले बने तो ये हमारे पास सारे के सारे कंटेनर्स बन गए हैं और ये सारी के सारी सर्विसेज चल रही भी हैं क्योंकि ये ऑन है और अगर आप चाहें तो अपना ड्राइविंग इन्वामेंट भी बना सकते हैं लेकिन इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे तो इसी तरह यहाँ पे मुख्तलि सर्विसेज हैं कुनाटिस की है कन्फिग्रेशन इसकी किसी एंजनिक्स की पड़ी हुई है सी एल आई की ये होती है वर्ल्ड प्लेस सी एल आई की उसको भी देख लेते हैं कि क्या करता है बेसिकली वर्ल्ड प्लेस की सी एल आई जो है वो कहाँ पर मिलती है यहाँ पर की मिलती है ये वर्ड पेस्ट गिठप डॉट कॉम स्लैश इसका एच डब्ल्यू पी सी तो यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं और उसको पी एच पी एप्लीकेशन रिपोजिटरी के तौर पर सेव करते हैं फिर उसको एग्जीक्यूटिबल बनाते हैं ताकि वो चल सके और उसको स्पेसिफ़िक जगह पर रख लेते हैं ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके तो ये है जी डॉक्टर क्विकली इंट्रोडक्शन कराइए जैंकिस के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और फिर फंक्शंस को किस तरह से करना है यह वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन किस तरह से चलानी है और डिप्लॉयमेंट किस तरह से चलानी है लेकिन एक और मजे की बात यह कि इसको डिवेलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर किया जा सकता है तो ये पूरी वो जो थी एजाइल ट्रेन थी उसके तमाम जितने भी स्टेप्स हैं उन सब पे पूरा उतरता है डॉकर और डॉक्टर के साथ जेंकिन जो है वो उसकी टेस्टिंग पाइपलाइन बना देता है वो किस तरह से करते हैं नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे नींद आ रही है अब मैं क्लाइंट को भी कहूँगा कि तू मेरा भाई छुट्टी कर तो थैंक यू सो मच एवरीवन आप लोगों ने ज्वाइन किया आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों में नींद भरी हुई है आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई क्लाइंट पाँच छः मिनट की बात थी उसमें मुझे जाना था इसका टेक सम टाइम और पूरा एक घंटा हो चुका है बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़